देखिए फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी गुजिया आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ पसंद आ जाएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दूध को हम अच्छे से पका लिए, खोया बना लिए, नारियल अच्छे से भून लेंगे ताकि स्वाद और अच्छे से लगे। सूजी भून के, सूजी, चीनी पाउडर, नारियल हम एक साथ मिला के रख दे रहे हैं। छोटी इलायची कूट के इसे मिला देंगे। अब उधर वो गलेगा सूजी हमारा। इधर हम मैदा छान के ले लिए हैं, रिफाइन तेल 4-5 चम्मच छोड़ के इसे मिक्स करेंगे। जब बैंडे हो जाएगा तो हम पानी छोड़ के थोड़ा थोड़ा गूँथ लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट में साइड में रख देते हैं। फिर इसमें धुल के हम मिला लेंगे, अच्छे से मिल जाएगा, रख देंगे। इधर हम मैदे को पूरी की तरह बेल के हम खोया अच्छे से ज़्यादा ज़्यादा भरेंगे ताकि खाने में टेस्टी लगेगा। तो हम इस तरह गुजिया बना लेते हैं। हमारे तरीके से गुजिया आप सभी को पसंद आ जाएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम इधर तेल हीट हुआ रहा था रिफाइन, तो हम बनाना शुरू करें, छानने लेंगे मीडियम आँच पर। हम इस तरह गोल्डन ब्राउन गुजिया बना लेते हैं। तो आप सभी लोग कब बना रहे हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे तरीके से गुजिया की में कुछ कमी होगी तो माफ आप कर सभी दीजिएगा। को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी के फैमिली मेंबर हैं, खाने में तो बहुत अच्छा लगेगा। लगभग 4 चम्मच छोड़ देते हैं चीनी, इसमें पानी हमारा अच्छे से चाशनी पक चुका है। चाशनी अगर मीठा पानी, थोड़ा सा गुड़ छोड़ दिए तो इसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने। इतना सारा मिला लेते हैं। अब हम इसी में छोड़ेंगे ये मलाई वाला दूध है। 2 से 3 घंटे के लिए इसको हम रेस्ट में रख दें, उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फुला फुला गुलगुला बन के रेडी हो रहा है। आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप सभी लोग का कैसा बना है गुलगुला। हमारे यहाँ गुलगुला नाम से कहा जाता है हम, क्योंकि छोटे से गांव के रहने वाले हैं, हमारे घर पे इसी तरह बनाया जाता है। वीडियो में कुछ गलती होगी तो सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा।